मेरे प्रिय छात्रों, मेरा नाम एम के अंजनामूर्ति है। हम पिछली कक्षा में वीरांगना चन्नम्मा पाठ के बारे में आपको समझा रहा था। यह पाठ समाप्त हुआ। आज इस वीरांगना चन्नम्मा पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में हम जान करेंगे। छात्रों, सबसे पहले हम इस पाठ में आने वाले मुहावरों के बारे में जान करेंगे। इस पाठ में आने वाले मुहावरे का अर्थ जान करेंगे। सबसे पहले हम जान करेंगे कि सबसे पहला मुहावरा है नाको चने चबाना। इसका अर्थ है बहुत ही ऐरान करना। पहला मुहावरा है नाको चने चबाना। इसका मतलब है बहुत ही ऐरान करना। दूसरा है रक्त कौलना। इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना। लोहा लेना, बदला लेना, लोहा लेना, बदला लेना। अपना सा मुंह लेकर चले जाना, अपना सा मुख लेकर चले जाना। अपमानित हो जाना, अपमानित हो जाना। प्राणों की बाजी लगाना, जान पर खेलना, जान पर खेलना। टूट पड़ना, आक्रमण करना, टूट पड़ना, आक्रमण करना। काम तमाम करना, खत्म करना, माल डालना। जीवन ज्योति बुझ जाना, देहांत होना, मर जाना। इस तरह छात्रों, इस पाठ में आने वाले मुहावरों के बारे में हम जान कर लिया। आत्मीय विद्यार्थिगळे, ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಾಂಗನ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾಕು ಚನೆ ಚಬಾನ. ಇಸ್ಕ ಮತ್ಲ ಬಹುತು ಈ ಹೈರಾನ್ ಕರ್ನ, ಬಹಳ ಗಾಬರಿ ಪಡುವುದು, ಗಾಬರಿ ಆಗುವುದು. ರಕ್ತ ಕೌಲ್ನ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಕ್ರೋಧಿತ ಹೋನ, ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು, ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು. ಲೋಹಾಲೇನ, ಬದಲಾಲೇನ, ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬದಲಾಲೇನ ಅಂದರೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಪನಾಸ ಮುಹ್ಲೇಕರ್ ಚಲೇ ಜಾನ ಅಂದರೆ ಅಪಮಾನಗೊಳ್ಳುವುದು, ಅಪಮಾನಗೊಳ್ಳುವುದು, ಅವಮಾನಗೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ರಾಣೋಂಕಿ ಬಾಜಿ ಲಗಾನ, ಜಾನ್ ಪರ್ ಕೇಲ್ನ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಇಡುವುದು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣವಾಗಿಡುವುದು. ಟೂಟ್ ಪಡ್ನ, ಆಕ್ರಮಣ ಕಡ್ನ, ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದು. ಕಾಮ್ ತಮಾಮ್ ಕರ್ನ, ಕಾಮ್ ತಮಾಮ್ ಕರ್ನ, ಕತೆ ಮುಗಿಸುವುದು, ಕೊಲ್ಲುವುದು. ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಬುಜಿಚಾನ, ದೇಹಾಂತೋನ, ದೇಹಾಂತಗೊಳ್ಳುವುದು, ದೈವಾಧೀನರಾಗುವುದು, ಮರಣ ಹೊಂದುವುದು. ಇಸ್ ತರಹ ಮುಹಾವರಂಕೆ ಬರಮೆ ಜಾನಕರ್ಲಿಯ ಬಾದ್ಮೆ ಹಾಮ್ ಏಕ ವಾಕ್ಯಮೆ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೇ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರಮೆ ಇಸ್ ಪಾಠ್ಮೆ ಆನೆ ವಾಲಿ ಏಕ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋಕ್ಕೆ ಬರಮೆ ಜಾನಕರೆಂಗೆ. ಚನ್ನಮ್ಮ ಕಾ ಜನ್ಮ ಕಿಸ್ ವಂಶ ಮೇ ಹುವಾ. ಚನ್ನಮ್ಮ ಕಾ ಜನ್ಮ ಕಿಸ್ ವಂಶ ಮೇ ಹುವಾ. ಇಸ್ಕಾ ಉತ್ತರ ಹೈ ಕಿ
चन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में हुआ था, काकतीय वंश में हुआ था। चन्नम्मा शब्द का अर्थ क्या है, चन्नम्मा शब्द का अर्थ क्या है, चन्नम्मा शब्द का अर्थ है सुंदर महिला, सुंदर महिला। कित्तूर कहाँ है, कित्तूर बेलगांव जिले में है, बेलगांव जिले में है। चन्नम्मा का विवाह किसके साथ हुआ, चन्नम्मा का विवाह किसके साथ हुआ, चन्नम्मा का विवाह कित्तूर के राजा मल्लसर्ज के साथ हुआ। शिवलिंग रुद्रसर्ज ने किसकी गोद लिया था, इस प्रश्न का उत्तर है शिवलिंग रुद्रसर्ज ने गुरुलिंग रुद्रसर्ज को गोद लिया था, शिवलिंग रुद्रसर्ज ने किसको गोद लिया था, गुरुलिंग रुद्रसर्ज को गोद लिया था। चन्नम्मा को अंग्रेजों ने कहा बंदी बनाया था, इस प्रश्न का उत्तर है चन्नम्मा को अंग्रेजों ने बैल वंगला के पास दुर्ग में बंदी बनाया था, बंदी बनाया था, कहा बैल वंगला के दुर्ग में किले में अंग्रेजों ने चन्नम्मा को बंदी बनाया था। दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए, इसके बारे में हम जान करेंगे। इसमें पहला शब्द है चन्नम्मा के माता और पिता के, पिता का नाम लिखिए, चन्नम्मा के माता और पिता का नाम लिखिए। चन्नम्मा के माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दूलप्प देसाई था, पिता का नाम दूलप्प देसाई था। चन्नम्मा को उनके पिता से कौन कौन सी कलाएं प्राप्त हुई, चन्नम्मा को उनके पिता से कौन कौन सी कलाएं प्राप्त हुई थी, चन्नम्मा को अपने पिता से गुड सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आकेट आदि युद्ध कलाएं अपने वीर पिता से प्राप्त हुई थी, चन्नम्मा को अपने पिता से गुड सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आकेट आदि युद्ध कलाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद में हम जान करेंगे तीसरा प्रश्न, कित्तूर राज्य की समृद्धि के बारे में लिखिए, कित्तूर राज्य के समृद्धि के बारे में लिखिए। कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगांव जिले में है, कित्तूर राज्य कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था, देश विदेश के व्यापारी वहां के बाजारों में हीरे जवाहराते खरीदने के लिए आया करते थे। ऐसे समृद्ध राज्य के प्रजावत्सल राजा मल्लसर्ज थे। इस तरह कित्तूर एक समृद्धि राजा था। उसके बाद कौन सा प्रश्न है, कित्तूर का पतन शुरू होने का कारण क्या था, कित्तूर का पतन शुरू होने का कारण क्या था। कित्तूर के राजा मल्लसर्ज की मृत्यु होने के बाद चन्नम्मा ने रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज को गद्दी पर बिठाया, शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता ली, जिससे कित्तूर का पतन शुरू हुआ।
कित्तूर के राजा मल्लसर्ज की मृत्यु होने के बाद राजा मल्लसर्ज की बड़ी पत्नी रुद्रम्मा के पुत्र को चन्नम्मा ने गद्दी पर बिठाया। उसका नाम था शिवलिंग रुद्रसर्ज। लेकिन शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता की। कित्तूरिन पतन ಯಾವ ರೀತಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಜ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಮರಣವ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಜ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನಾದಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರಸರ್ಜನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ